उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुए लकी मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी ने बेइज्जती का बदला लेने के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने हत्या के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पिस्टल और कारतूस समेत मोबाइल बरामद किया गया। एएसपी सुरेंद्र द्विवेदी ने बताया कि पखवारे भर पहले सराय सुजान से लापता हुए लकी प्रजापति की पिटाई के बाद सर में गोली मारकर हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम के दौरान उसके सर में 2 गोली फंसी मिली थी। लकी प्रजापति 16 जनवरी को घर से लापता हुआ था, जिसका 31 जनवरी को शव मिला था। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने बदला लेने के लिए लकी की हत्या की थी और आरोपी लकी को क्रिकेट खेलने के बहाने घर से बुलाकर ले गए थे। इस दौरान उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। दिनांक 16 जनवरी 2021 को सराय सुजान सुजहा थाना मानधाता का एक लड़का लकी प्रजापति गुम हो गया था, गायब हो गया। उस संबंध में उसके परिवारी जनों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने पर लिखाई गई थी, तो पुलिस द्वारा निरंतर इनकी खोजबीन कर रही थी। और इसका एक साथी और है, जिसके कि घर पर दिवाली के दिन जो है डीजे और उसके तार और को तोड़फोड़ किया गया था। और तीसरा उसका एक साथी है, जिसके घर पे जो है किसी लड़की के साथ मतलब बातचीत को लेकर के उसको बदनामी की बात हो रही थी। तो इसने अपने 4 साथियों के साथ मिल करके और एक अपने एक अन्य साथी की मदद से, एक संदीप सिंह जेठवारा का है, उससे इसने पिस्टल खरीदा था और चंदा करके, और उस पिस्टल से इसने 16 तारीख को ही हत्या करके और नाले में उसकी छिपा दिया था। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पिस्टल और कारतूस समेत मोबाइल बरामद किया गया है। साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है।